नमस्कार दोस्तों, मैं थोड़ा दोस्त मनु मोड़। से अज की क्लास में आप पहला तो कंप्यूटर फंडामेंटल थ्योरी में समझेंगे। उस तो बाद वीडियो के एंड में तो उस वीडियो का लिंक देवगा जिस इन्हों रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। हुण जो परफेक्ट तैयारी करनी है तो थ्योरी भी आपको पढ़नी पऊ तो एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको नोटबुक उत्ते नोट करने पैणगे। हुण कंप्यूटर फंडामेंटल की गल करिए तो एक बेसिक की जानकारी तुहानू दे देना। कंप्यूटर किवें बनता दोस्तों, इनपुट प्रोसैस आउटपुट के मदद नाल कंप्यूटर जिहड़ा वर्क करता है। हुण इत्थे कंप्यूटर की फोटो भी तुसीं देख सकते हो। इनपुट डिवाइसिस विच कीहड़ियां ने, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, माइक हो गया, जां वेबकैम हो गया, जिहड़े मतलब कि एक्सट्रा आपां अटैच कर देने डिवाइस उहनूं इनपुट डिवाइसिस कहा जाता है। एग्जाम विच इह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसी दो इनपुट डिवाइसिस के नाम लिखो, तो आपां माउस लिख सकते हैं, कीबोर्ड लिख सकते हैं, स्कैनर लिख सकते हैं, माइक लिख सकते हैं, जां जॉयस्टिक लिख सकते हैं। इस तो बाद गल करिए प्रोसैसर की, तो जिहड़ा सीपीयू हुंदा है उसनूं प्रोसैसर कहा जाता है। सीपीयू इत्थे आपां देख सकते हैं, यह कंप्यूटर का दिमाग भी इसनूं कहा जाता है। मतलब जे आपां कंप्यूटर तो कोई भी जानकारी लैनी है, सब तो पहला आपां इनपुट ते जो भी आपां नूं चाहिए वो टाइप करांगे, जां उहनूं कमांड देवांगे कंप्यूटर नूं, उह कमांड सीपीयू विच जाके स्टोर हुंदी है। उस तो बाद जिहड़ा भी रिजल्ट शो हुंदा उह आपां नूं स्क्रीन ते शो हो जाता। ओके दोस्तों, हुण आउटपुट की गल करिए। आउटपुट की हुंदा, मॉनिटर जां प्रिंटर नूं आउटपुट आपां कह दिंदे आ। हुण आपां कीबोर्ड थ्रू जिहड़ा इनपुट दित्ता, किहनूं दित्ता आपां, प्रोसैसर नूं यानी सीपीयू नूं इनपुट दित्ता। हुण जिहड़ा सीपीयू है यह मॉनिटर नूं इनपुट दे दिंदा, मतलब कि यह जो भी आपां डिटेल चाहीदी है, जो भी आपां कीबोर्ड थ्रू सीपीयू विच भेजी है, वह रिजल्ट दे तौर ते आपां नूं इस स्क्रीन विच यानी मॉनिटर विच शो कर दिंदा, तां इस नूं आउटपुट आपां कह दिंदे आ। एंड हुण सिंपल लैंगुएज विच भी कंप्यूटर की परिभाषा एग्जाम विच पूछ ली जाती है, तो आपां नूं याद रखना होगा एक कंप्यूटर एक अजिहा इलैक्ट्रॉनिक उपकरण है जो उपभोक्ता द्वारा दिए गए डेटा की प्रक्रिया करता है अते नतीजे वजो जानकारी प्राप्त कर प्रदान करता है। असी इस विच मौजूद डेटा नूं किसी ना किसी नूं भेज सकते हैं जां किसी तों प्राप्त भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, यह चीज़ समझ च आ गई। जे समझ आ गई तो वीडियो विच यस लिख के कमेंट जरूर कर दिओ। एंड इस तो बाद कंप्यूटर रिलेटड बेसिक जानकारी होर जान लेना। कंप्यूटर शब्द जिहड़ा लैटिन शब्द यानी कंप्यूट तो लिया गया। कंप्यूटर का मतलब की हुंदा है, गिणती करना जां गणना करना। तो अज की डेट में जिहड़े नई जनरेशन के कंप्यूटर उन्हां विच आपां नूं किहड़े किहड़े फीचर मिल जाते हैं। सब तो पहले गल करिए हाई स्टोरेज कपैसिटी का फीचर आपां नूं मिल जाता, स्पीड नाल आपां अपना कंपनी नूं कंप्लीट कर सकते हैं, ऑटोमेशन का फीचर मिल जाता। इस तों इलावा कपैसिटी, एक्यूरेसी, वर्सटैलिटी ते रियलेबिलिटी, मतलब कि कोई भी आपां जे कमांड दिंदे आ कंप्यूटर नूं तां उह 100% सही आपां नूं अगे शो करदा। इस तों बाद काफ़ी बार एग्जाम विच कंप्यूटर का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, तां करके इसनूं नोट कर लो। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन परपजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। हुण कंप्यूटर सिस्टम का कंसैप्ट आपां क्लीयर कर लैंदे आ। कंप्यूटर एक सिस्टम है दोस्तों, यह पुर्जियां का एक अंतर संबंधित सुमेल है जो इनपुट प्रोसैसिंग, आउटपुट स्टोरेज और कंट्रोल के बुनियादी सिस्टम फंक्शनों को करता है। इस तरह अंत उपभोक्ताओं को एक शक्तिशाली जानकारी प्रोसैसिंग भी प्रदान करता है। हुण जिहड़ा कंप्यूटर है वह किस दी मदद नाल जिहड़ी जानकारी अपने सामने शो करता है, उस विच कंप्यूटर विच हार्डवेयर हुंदा है, सॉफ्टवेयर हुंदा है, तो यूजर होना जरूरी है। हार्डवेयर मतलब कि जो भी बाहरला पार्ट है, हार्ड पार्ट है, माउस, कीबोर्ड, जो सीपीयू, मॉनिटर, ये सारे हार्डवेयर में आ जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर जिमें कि मैं तुम्हें यह वीडियो एक प्रेजेंटेशन थ्रू समझा रहा, तो यह प्रेजेंटेशन जी मैं माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट बनाई हुई है। यह पावरपॉइंट है, यह अपना सॉफ्टवेयर हो जाता, जो कोई एप्लीकेशन आप सॉफ्टवेयर कह दें। तो यूजर की गल करिए, जिमें आप इतने चैक कर सकते हैं, जो भी कमांड देता है इसमें आप यूजर कह दें। तो इन तिना की मदद नाल है जोड़ा भी जानकारी आप लैनी है कंप्यूटर तो अपने सामने प्रोसैस करके शो कर देता। थोड़ी जी हिस्टरी जान लिए कंप्यूटर की। सब तो पहले 1837 चार्ल्स बेबिज द्वारा पहला मैकेनिकल कंप्यूटर की खोज की गई थी। कंप्यूटर का नाम से एनालैटिक इंजन कंप्यूट पहले कंप्यूटर का नाम से। एंड इस बंदे की फोटो देख सकते हो, यह चार्ल्स बेबिज ने, इसनों फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। और दोस्तों यह क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में बनाया कि कंप्यूटर का फादर किसनों कहा जाता है, तो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबिज को कहा जाता है। 1837 तो बाद काफ़ी जनरेशन कंप्यूटर की आईया तो गई ने, तो इन्हों का टाइम पीरियड से एक उस बारे आप गल कर लें। जी फस्ट जनरेशन के कंप्यूटर से उन्हों का टाइम पीरियड से 1946 तो लैके 1969 तक जोड़ा ये टाइम पीरियड फस्ट जनरेशन कंप्यूटर का रहा। इन्होंने कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की वरतों की जाती थी।
बट यह भरोसेयोग नतीजा नहीं देंगे से जिमें कि आप कोई भी कैलकुलेट करना या कोई भी आपको कमांड देनी है कंप्यूटर में तो मतलब उस जोड़ उत्ते जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसते भरोसा जहा नहीं होंगे सी तो यह केवल मशीनी भाषा का समर्थन करते हैं इसलिए सिर्फ इन्हों साइंटिस्ट ही यूज़ कर सकते इन्हों की मशीनी भाषा करके। इस तो अलावा यह बहुत महंगे कंप्यूटर सन कोई भी आम इंसान इसको खरीद नहीं सकता सी। इस तो अलावा इन्हों का साइज़ काफ़ी बड़ा सी तां करके बहुत ज़्यादा हीट पैदा करते तां करके इसको रखने के लिए एसी यानी बहुत ज़्यादा खर्चा करना पैंदा सी एंड जिवें कि तुहानू दस्सन नॉन पोर्टेबल सी इह इसनू एक थां तों दूजी थां ते लैके नहीं जा सकता सी। बाकी तुसीं इत्थे देख सकदे हो इह फस्ट जनरेशन दे कंप्यूटर सी तां कैरी करने बहुत मुश्किल सन ते इन्हां विच इनपुट अते आउटपुट डिवाइस दी तौर ते पंचर कार्ड या पेपर टेप या मैगनिक टेप की यूज़ किए जाते हैं। तो कुछ फेमस कंप्यूटर से जोड़े फस्ट जनरेशन से तो उन्होंने नाम एनिक फस्ट कंप्यूटर से जोड़ा तो एडवैक तो IBM 701 तो IBM 650 फेमस कंप्यूटर के नाम ने जी फस्ट जनरेशन के एंड दोस्तों एक काफ़ी इंपोर्टेंट टॉपिक है सिर्फ इस वीडियो में देखो ना अपनी नोटबुक से नोट भी करते रहो जो तुम अपनी एग्जाम की परफेक्ट तैयारी करना चाहते हो तो एंड जो कंप्यूटर वास्ते बेस्ट बुक फाइंड कर रहे हो तो उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिता है लेटेस्ट एडिशन बुक है सीधा लिंक पर क्लिक करो और अमेजॉन पर जाके इस कैश ऑन डिलीवरी से ऑर्डर कर सकते हो शायद यह मार्केट में ना मिले इस करके तुम सिर्फ अमेजॉन तो इसको ऑर्डर कर सकते हो। एंड फस्ट जनरेशन तो बाद सैकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की वारी आनी है तो इसका जो टाइम पीरियड से वो 1958 तो लैके 1965 के दौरान जोड़े कि सैकेंड जनरेशन के कंप्यूटर ने जन्म ले लिया तो इन्हों कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर की वरतों की जाती सी। यह कंप्यूटर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर वजो घट बिजली खपत करते खर्चा घट से पहले जनरेशन के कंप्यूटर के नालों। इस पीढ़ी असैम्बली लैंगुएज और प्रोग्राम लैंगुएज यूज़ की जाती सी। इन्ह असैम्बली लैंगुएज और प्रोग्राम लैंगुएज के नाम सन फोटोन ते कोवाल। यह दो लैंगुएज जी सैकेंड जनरेशन के कंप्यूटर यूज़ किए जाते सन बट इस दे नतीजे हाले भी भरोसेयोग नहीं सन मतलब कोई भी आप जोड़ घटाओ करना है तो श्योर नहीं कि यह बिल्कुल सही आंसर देगा। तो सैकेंड जनरेशन के कुछ फेमस कंप्यूटर के नाम ने IBM 1620 IBM 7094 CDS 1604 तो इतने फोटो देख सकते हो सैकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की। एंड दोस्तों अगे चलने तो पहले एक छोटी जी इनफॉर्मेशन तुहाडे लई जे तुसीं पोलिटिक कंप्यूटर जनरल साइंस अते पंजाब जीके दे इंपोर्टेंट क्वेश्चन की PDF फाइल नूं बाय करना चाहुंदे हो तां इह मेरा इंस्टाग्राम ID नंबर इस ते मैनूं फॉलो करके मेरे नाल गल करके फिर तुसीं इस इंपोर्टेंट PDF फाइल नूं सिर्फ 44 रुपए विच बाय कर सकदे हो। काफ़ी कैंडीडेट ने यह PDF ऑलरेडी बाय कर लिया जे तुसीं भी बाय करना चाहुंदे हो तां इंस्टाग्राम ते मेरे नाल गल करके फिर इस PDF फाइल नूं खरीद सकदे हो। एंड इस तो बाद थर्ड लैवल की जनरेशन के कंप्यूटर की गल करिए जो टाइम पीरियड से 1665 तो लैके 1671 तक थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर जोड़े जन्म लिया से इन्होंने तो इन्ह कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट की वरतों कर स्टार्ट हो गई सी मतलब जिमें कि पहले जनरेशन के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब की वरतों की जाती से सैकेंड जनरेशन के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर की वरतों की जाती सी तो इस अलावा थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर आए तो उन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट की वरतों होने लग गई सी। इंटीग्रेट सर्किट मतलब IC की खोज जैक किलवे नामक साइंटिस्ट ने की थी। यह कंप्यूटर घट बिजली की खपत करते सन ते हाई लेवल की लैंग्वेज भी यूज की गई सी। इन्हां कंप्यूटर कंप्यूटर लैंगुएज के जिहड़े नाम सी फोटोन 2 and 4 कोबाल पासकल बेसिक अलगोल 68 इन्हां कंप्यूटर की लैंगुएज के नाम सन। थर्ड जनरेशन के जिहड़े फेमस कंप्यूटर रहे ने वह IBM 36 सीरीज ते हनीवेल 6000 PDP IBM 379 जिहड़े फेमस कंप्यूटर से तुसीं इमेज भी इत्थे देख सकदे हो थर्ड लेवल जनरेशन के जिहड़े कंप्यूटर ने। तो जो थर्ड लेवल जनरेशन के कंप्यूटर की बारी आई सी तो उस टाइम यह काफ़ी एडवांस मने जाते सन तो करके इस नाल रिमोट प्रोसैसिंग टाइम शेयरिंग मल्टी प्रोग्रामिंग ओपरेटिंग सिस्टम भी यूज होना स्टार्ट हो गया सी। ओके दोस्तों इस तो बाद गल करिए आप फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की तो इसका जो टाइम पीरियड से 1971 तो लैके 1980 तक फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर यूज़ किए गए थे। इन्हों कंप्यूटर विच वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी VLSI की वरतों की जाती सी। यह कंप्यूटर बहुत तेज़ और छोटे सन तो नो AC पोर्टेबल मतलब कि AC की तो जरूरत ही होंगी है मतलब कि हर कंप्यूटर बट यह पोर्टेबल से एक थां तों दूजे थां ते लैके जा सकता सी। ट्रस्टेबल रिजल्ट से मतलब कोई भी आप
ਜੇ ਕਮਾਂਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੋੜ ਘਟਾ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟਰੱਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਚਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਫੇਮਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਤਾਂ DEC 10 66,000 ਅਤੇ PDF 11 ਅਤੇ CRY 1 ਜਿਹੜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ ਫੋਰਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਫੋਰਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਫਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਇਹ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿਲ ਡੇਟ, ਯਾਨੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਫਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ USLSI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। USLSI ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਿਫਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਸਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਫਿਫਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਬੋਟਿਕ ਗੇਮ ਪਲੇ, ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਡਿਪਲੋਮਿੰਗ ਐਂਡ AI ਯਾਨੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਲੇਟਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ।